लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में विराट कोहली और रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर लंबे समय से तुलना हो रही है। भारतीय क्रिकेट टीम में स्लिप्ड कप्तानी को लेकर कई बार चर्चा हो चुकी है। पहले यह चर्चा महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली को लेकर होती थी, अब ये चर्चा विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर हो रही है। सोमवार को एक खबर के मुताबिक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के सूत्रों के हवाले से खबर छपी थी कि टी20 वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली लिमिटेड ओवर फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ देंगे और रोहित शर्मा को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इस खबर को लेकर बीसीसीआई में खलबली मच गई। बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने इन दावों को एकदम से बेबुनियाद बताया और साथ ही कहा कि यह समय है कि हम टी20 वर्ल्ड कप पर ध्यान दें, ना कि इस पर फ्यूचर में कौन कप्तान होगा। राजीव शुक्ला ने कहा, इन दावों में कोई दम नहीं है और एक बात, हम सबको इस समय टी20 वर्ल्ड कप पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस बात पर कि भविष्य में कप्तान कौन होगा। स्प्लिट कप्तानी को लेकर अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि इस मामले में विराट कोहली और रोहित शर्मा की आपस में बात हो चुकी है और दोनों इस बात पर सहमत हैं। भारतीय खिलाड़ी 19 सितंबर से इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में हिस्सा लेंगे और इसके तुरंत बाद 17 अक्टूबर से टी20 वर्ल्ड कप खेला जाना है। टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम की घोषणा हो गई है। एक खबर के मुताबिक तीनों फॉर्मेट में कप्तानी का असर विराट की बल्लेबाजी पर पड़ रहा है और ऐसे में लिमिटेड ओवर के फॉर्मेट की कप्तानी रोहित को सौंपने की बात हो रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय टीम का कप्तान रोहित शर्मा को बनाना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।